महानगर में आज सुबह सुबह लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब लोगों ने मौसम का मिजाज देखा। पारा काफी गिर चुका था और तपिश से नगरवासियों को काफी राहत मिली। पहली बार इस सीजन में गर्मी का पारा 43 डिग्री पार कर चुका था। लोग बाग गर्मी से बेहाल थे और बारिश का ही इंतजार कर रहे थे। आज एकदम सुबह तेज हवाओं के बीच बारिश शुरू हुई, जिससे बिजली विभाग ने एहतियातन लाइन काट दी थी। तेज आंधी बारिश के कारण नगरवासियों को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन यही आंधी पानी कुछ देर बाद आफत भी बन गई। नगरवासियों को बिजली के अभाव में पानी भी नसीब नहीं हुआ। कुछ नौकरी पेशा लोग जैसे तैसे अपने काम पर जाने को मजबूर थे। इस आंधी पानी से कई जगहों के पेड़ और कहीं तो पोल ही उखड़कर गिर गए। अब ये आफत बिजली विभाग के लिए भी कम मुसीबत वाली नहीं थी। आलम यह था कि महानगर के कई हिस्सों में आज शाम तक बिजली सप्लाई नहीं पहुंच सकी थी। शिव कुमार ने कहा कि इस बारिश से किसानों को कुछ राहत मिलेगी, साथ ही लोगों को भी उमस और गर्मी से निजात मिलेगी। जी, कल रात से ही जो बारिश हुई है, इसलिए जो किसान थे जहां ऑलरेडी सूखे से परेशान थे और स्कूल जाने वाले, और हम लोग फील्ड वर्कर्स हैं तो हम लोग बाइक से जाते हैं या अपने कार से जाते हैं, तो इसलिए काफी राहत है और बारिश से। जी हाँ, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। जी जी, अभी जी हाँ हाँ, कुछ यूपी में या कहीं और जगह 50 से ऊपर का तापमान पहुंच गया था। यहाँ भी 42-43 कुछ दिन पहले भी था। अभी तीन दिन पहले इतनी परेशानी थी, फिलहाल 2 दिन से यहाँ बहुत राहत है, स्पेशली कल रात से जो यहाँ पे इतनी बारिश हुई और फिलहाल मौसम बहुत अच्छा बन गया है। विनय कुमार यादव ने कहा कि इस भारी आंधी और बारिश ने विद्युत विभाग की पोल खोलकर रख दिया है। जगह जगह विद्युत पोल और तार टूटकर पड़े हुए हैं। अभी तक विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। जगह जगह विद्युत की पोल हैं, पेड़ हैं, सड़कों पर गिरी हुई हैं। न तो प्रशासन इसका सुध ले रहा है और न ही प्रशासन कोई अधिकारी देखने आ रहा है कि यातायात व्यवस्था में कितनी कमियां हो रही हैं। आज यूनिवर्सिटी चौराहे के सामने एक पेड़ गिरा है, सवेरे से गिरा हुआ है, जिसका कोई भी प्रशासनिक अधिकारी न हटाने आया है, न पूछने आया, न देखने आया कि यातायात व्यवस्था कैसे चल रहा है। और बहुत जगह विद्युत की तारें भी टूट चुकी हैं जो बिजली आपूर्ति में बाधाएं पैदा कर रही हैं। दिन भर न तो हॉस्टल में लाइट मिली है और न पानी मिला है। आपका नाम? विनय कुमार यादव, विश्वविद्यालय छात्रावास।